Hello student, good afternoon to everyone. Now we start your chemistry lecture. Yeah, good afternoon to everyone. Write down chocolatey problem class 3. Chocolatey problem class 3 hai. राइट डाउन क्वेश्चन. कुछ एक दो क्वेश्चन और हैं जो हमें डिस्कशन करने, तो लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे. ओके, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन. तुम स्क्रीनशॉट लोगे और आंसर करोगे जल्दी से. स्क्रीनशॉट लेके आंसर करोगे. एंडोथर्मिक कौन कौन है? एंडोथर्मिक S माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन S माइनस टू. बी Ne प्लस E Ne माइनस. सी N प्लस E N माइनस. डी A प्लस टू Al प्लस थ्री प्लस E. मल्टीपल चॉइस है. एंडोथर्मिक कौन है? संचित का आंसर है बी एंड सी. अंचल का आंसर है ए एंड बी. प्रगति का आंसर सही है. सिद्धांत का आंसर है ए बी सी. सनिका, पार्थ का आंसर सही है. अस्मिता, वराद का ए एंड बी है. चलो यहां ध्यान देना, ऑप्शन में है ए एंड बी, ए बी एंड डी, बी एंड डी, ए बी सी डी. आंसर ऑल ऑफ दिस. एंडोथर्मिक कल मैंने बताया था, याद रखना. इलेक्ट्रॉन गेन थेल्पी किसी एटम का पहला, अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो मे बी पॉजिटिव हो सकता है, मे बी नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मे बी, लिख लेना, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव. जैसे ऑक्सीजन का पहला नेगेटिव होता है, क्लोरीन का पहला नेगेटिव होता है, बराबर है क्या? फ्लोरीन का पहला नेगेटिव होता है, लेकिन कहीं भूल मत जाना, नाइट्रोजन का पहला ही नेगेटिव, पहला पॉजिटिव होता है. नियोन इनर्ट गैस का पहला क्या इसका कभी भी पॉजिटिव होगा. और इनर्ट गैस में मोस्ट पॉजिटिव मतलब हाईएस्ट पॉजिटिव नियॉन का रीजन समझाएंगे कल. एक दो क्वेश्चन और भी जो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, एफ माइनस सीएल माइनस का आयोनाइजेशन एनर्जी, तो उसको मैं अभी करवा रहा हूं, पहले कर लो. तो एक दो क्वेश्चन जो है बीके जसवाल का, वो उसको हम यहाँ कर रहे हैं. बट हाँ, पहले इसको देख लो, कंसेप्ट थोड़ा देख लेते हैं. तो इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी पहला जो है वो मे बी होता है, लेकिन दूसरा 100% श्योर है कि पॉजिटिव होगा. 100% ऑलवेज किसी भी एटम के लिए. ये दूसरा है, ये क्या होगा? एंडो, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा ना, पॉजिटिव मतलब एंडो, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब एंडो, और नेगेटिव मतलब एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक. अब नियॉन में इलेक्ट्रॉन्स तो देना ही पड़ेगा एंडो, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं, इसमें तुम कंफ्यूजन पड़ जाओगे. इसमें क्या होगा, ध्यान रखना, ये भी एंडो होता है, ये हाफ फील्ड की वजह से स्टेबिलिटी होता है, तो नाइट्रोजन का पहला ही एंडो हो जाता है. याद रखना, ऐसे नहीं कि नाइट्रोजन गेन करता है. सर हम नाइट्रोजन के बारे में तो जानते हैं कि नाइट्रोजन पर -3 होता है, अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, गेन करने में उसको हालत खराब हो जाएगी, इसलिए नाइट्रोजन ज्यादा शेयरिंग में आता है, बराबर है क्या? नाइट्रोजन के ज्यादा कंपाउंड शेयरिंग होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे, जहां जहां उसको प्रॉब्लम होगा लॉस और गेन करने में, सब के सब शेयर में जाएगा.
तो नाइट्रोजन का कंपाउंड जितना बनता है NH3 अमोनिया NO NO2 N2O3 N2O4 N2O5 HNO3 ठीक है NH2-, ये जितना भी कंपाउंड बनेगा सब के सब कोवेलेंट होते हैं, क्योंकि वो गेन करना नहीं चाहता है, गेन करने में उसको एनर्जी चाहिए, पहला ही गेन नहीं कर पाता। अब इसके बारे में क्या ख्याल है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में तुम्हें क्या ख्याल है? आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज किसी भी एटम के लिए, ऑलवेज एंडोथर्मिक, ऑलवेज, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो चाहे थर्ड हो, आयनाइजेशन एनर्जी तो कुछ सोचना ही नहीं। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो पहला होता है वो एक्जो और एंडो हो सकता है, लेकिन दूसरा ऑलवेज एक्जो होगा, और आयनाइजेशन एनर्जी तो ऑलवेज एक्जो होगा, एक्जोथर्मिक होगा, सॉरी एंडोथर्मिक। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी ये ऑलवेज एंडोथर्मिक होंगे, और इसमें मे भी लगा हुआ है, किसी एटम के लिए नेगेटिव होता है तो किसी के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब ऑल ऑफ दिस एंडोथर्मिक, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब देखो यही क्वेश्चन मैं तुम्हें दिया लेकिन सबका आंसर बाद में सही हुआ, स्टार्टिंग में तुम गलती कर रहे थे, तो इसीलिए पेपर में ध्यान देना, पेपर में रटे रटाई चीजें नहीं आएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट डाउन, इन विच प्रोसेस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी विल एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी विल एब्जॉर्ब्ड, पहला Cl प्लस इलेक्ट्रॉन Cl माइनस, दूसरा A, ये A है, B है O माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन O माइनस टू, N प्लस, इसका मीनिंग जानते हैं ना, इधर प्लस और इधर प्लस का मतलब, नहीं जानते तो इसको इधर लेके आओ, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा सोडियम प्लस बना होगा, यानी इसका मीनिंग ये भी तुम समझने के लिए लिख सकते हो, Na इसको इक्वल टू मान लो, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला तो निकलने इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, प्लस आएगा, तो इसको हम ऐसे समझने के लिए बोल सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता तो इधर पॉजिटिव लिखा रहता है, और जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो इधर पॉजिटिव लिखा रहता है, और डी है एबीसी, एक मिनट, एक चीज सीक्वेंस इधर उधर हो गया, ओ माइनस टू माइनस इलेक्ट्रॉन ओ माइनस, देखो इसमें माइनस लिखा हुआ है, तो ये मत समझना कि माइनस क्या लिखा हुआ है, इसको इधर लाके भी बोल सकते हो, Na माइनस इलेक्ट्रॉन फॉर्म Na प्लस, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है और ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, देखो ऐसा भी और ऐसा भी, दोनों सेम है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं O माइनस टू O माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, दोनों का मीनिंग एक ही निकलता है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, थोड़ा इधर जब लिखा रहा था तो ज्यादा समझ में आता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा जा रहा है, और इसमें ऐड हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ये लूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। N प्लस E N माइनस, इसमें आपको ऑप्शन बताने हैं कि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, आपको इसमें ऑप्शन बताना है इसमें कौन सा एनर्जी सही होगा, ठीक है, ए बी सी डी आपको इसमें दिया गया है, तो अब जल्दी से ऑप्शन बताओ, आंसर आ गया
बी डी ई, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये दूसरा गेन करने में मालूम है ना 840 या 884 लगता था किलो जूल पर मोल, ये क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, ये क्या होगा? रिलीज होगा। रिलीज होना मतलब एक्जो, एक्जो मतलब डेल्टा एच क्या होगा? निगेटिव, एनर्जी रिलीज होगा ना, ये दूसरा गेन करने में एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने का मतलब डेल्टा एच का वैल्यू देखो पॉजिटिव आता है, और ये क्या हो जाएगा? एंडो। एंडो पूछे, एब्जॉर्ब पूछे, डेल्टा एच का वैल्यू पूछे, ये देखो यहां से यहां जाना एक इलेक्ट्रॉन उल्टा भागना। अब देखो ओ माइनस से ओ माइनस टू में जाने में कितना एनर्जी लेता था? प्लस 884 लेता था, तो यहां से यहां आने में कितना लेगा? उतना ही एनर्जी रिलीज कर देगा, माइनस 884। यही तो तुम्हें लैंग्वेज में पूछता था हमेशा, यहां से यहां जाने में 884 लेता है तो यहां से यहां जाने में कितना इतना रिलीज कर देगा, बराबर क्या? जैसे Na से Na प्लस जाने में 10 जूल लगता है तो Na से Na प्लस आने में माइनस 10 जूल, तो इससे इसमें जाने में क्या होगा? रिलीज होगा, रिलीज रिलीज होगा ये, क्योंकि यहां से यहां जाने में लग देना पड़ता है। अब उल्टा से यहां सीधा यहां आना है तो रिलीज होगा। कहने का मतलब अगर मैं इसको बोलूं तो यहां माइनस 844 हो जाएगा, यहां से यहां जाने में इतना लगेगा तो उल्टा आने में ये रिलीज हो जाएगा। और इसमें अगर मैं बोलूं तो हमेशा आयनेशन एनर्जी क्या होता है? प्लस होता है, यानी एब्जॉर्ब होगा। और इसमें तो अभी अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी इसके लिए क्या होता है? एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब होगा, यानी ये एंडो होगा, यानी डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहां से यहां जाने में पॉजिटिव होगा, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, और ये क्या होगा? एंडो होगा। यहां से यहां क्या होगा? एक्जो होगा, डेल्टा एच क्या होगा? निगेटिव। अब हमें एब्जॉर्ब ढूंढना है, रिलीज एब्जॉर्ब, रिलीज एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, यानी आंसर हो जाएगा बी डी ई। तुम लोग भेजे हो बी डी ई, बराबर है ना? चलो बट आयनेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, आयनेशन पोटेंशियल, कौन सा ऑप्शन? सी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं है, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं है, अच्छा इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, गेन हो रहा है, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वन मिनट वन मिनट, मैंने इधर उधर कर दिया गया, देख रहे हैं यहां से यहां जाएगा तो ये एंडो हो जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। ये एब्जॉर्ब कहां कहां होगा? ये रिलीज हुआ, ये एब्जॉर्ब, 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 यानी बी सी डी ई में एब्जॉर्ब हुआ है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है ना, तो लूज कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, बराबर क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इस पर थोड़ा हम और एक बार डेटा चेक करते हैं इसका हम, बट बी सी डी ई इसका आंसर राइट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तो कल बनवा दिया था शायद। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मल्टीपल चॉइस है, कल बनवाया था ना ये। क्या होगा आंसर इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। यही सेम क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑप्शन में है इसमें भी मल्टीपल चॉइस है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होगा आंसर? सबका सही है, राइट आंसर क्या होगा? ये एस से एस माइनस बनाना, ओ माइनस से ओ माइनस टू बनाना, किसमें एनर्जी रिलीज होगा? इसमें ज्यादा रिलीज होगा। ऐसे भी ओल्ड स्टाइल से टिपो में सबसे ज्यादा सल्फर का होता है, फिर सेलेनियम, फिर टेलेनियम, फिर पोलोनियम, देन ऑक्सीजन। अब ये एक और बात का बोल रहा है कि तो ऐसे भी ये ज्यादा गिरेगा फास्फोरस में और नाइट्रोजन में, नॉर्मल केस में ये ज्यादा होगा। और ये तो एक और होने के बाद P से P माइनस बना रहा है और N माइनस से N माइनस टू बना रहा है, ये बिल्कुल जीत जाएगा, ये जीतेगा ना। अब देखो O माइनस इसको उल्टा लिख दिया, ये गलत हो गया, और N माइनस इसको उल्टा लिख दिया, गलत हो गया। इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड, मतलब A और B है। जिसको डाउट होगा बोलना क्यों ऐसा हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑर्डर ए सी एस आर बी एन ए, बी लिथियम बेरिलियम बोरॉन, सी सी एन ओ, डी सी एल एफ बी आर। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर निकालना है, करेक्ट ऑर्डर मल्टीपल चॉइस है, करेक्ट ऑर्डर कौन कौन से इसमें करेक्ट है। कौन कौन से करेक्ट है? निधि, चेक योर आंसर। शिवम, चेक योर आंसर। निषाद, चेक योर आंसर। नहीं, निषाद का सही है। तेजस, दो आंसर एक नहीं है। खोट, चेक योर आंसर। तुमसे क्या पूछा गया? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, बम गिराओगे क्या? इलेक्ट्रोनिविटी किससे ज्यादा होता है? टॉप टू बॉटम हाली ना के रब, कहीं ऐसा मत हो जाए कि इलेक्ट्रोनिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ते पढ़ते इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भूल गए हम कि सर एक्सेप्शन होता है क्लोरीन और फ्लोरीन में। यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शन होता है ना, इलेक्ट्रोनिविटी में क्यों एक्सेप्शन होगा? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इलेक्ट्रोनिविटी किसका ज्यादा होता है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन थेल्पी में एक्सेप्शन होता है ना। ये तो आंसर ऐसे कैंसिल हो गया, ये इलेक्ट्रोनिविटी पूछा जा रहा है। ऐसा मत एग्जाम में करना कि इलेक्ट्रोनिविटी का कंसेप्ट बना रहे हो और इलेक्ट्रॉन गेन थेल्पी दिमाग में चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन थेल्पी इसका ज्यादा होगा, ये गलत हो गया। सीजीएम का ऐसे टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिविटी ऐसे गलत होता है।
सीजियम का तो सबसे कम होता है 0.7। लेफ्ट राइट अगर हम बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, BCNOF, लेफ्ट राइट बढ़ता है, लेफ्ट राइट बढ़ रहा है, लेफ्ट राइट बढ़ रहा है, क्या दिक्कत है? इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। ठीक है, कहीं इलेक्ट्रॉनिविटी, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी पढ़ते पढ़ते इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का क्वेश्चन मत गलती कर देना कि सर क्लोरीन वाला तो एक्सेप्शन होता है। टॉप टू बॉटम बढ़ता है और लेफ्ट राइट घटता है, सॉरी टॉप टू बॉटम घटता है और लेफ्ट राइट बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मैंने डेटा भी याद करवाया, चार पांच डेटा जरूर याद रखना। बोरॉन का 2.04 होता है जबकि हाइड्रोजन का 2.1 होता है, हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, बराबर है क्या? ध्यान रखना, कार्बन का 2.4 होता है, 5 के आसपास होता है। कम से कम 10-15 डेटा जो लिखवाया था मैंने उसको याद रखने का। नहीं तो छोटे छोटे क्वेश्चन में गलती कर जाओगे। चलो स्टेटमेंट लिखो और फिर स्टेटमेंट को सही कर, तुम बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन है। राइट डाउन स्टेटमेंट, इन जनरल मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, पहला स्टेटमेंट है, इन जनरल मोर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन जनरल आयोनाइजेशन एंथैल्पी मोर विल बी मोर आयोनाइजेशन एनर्जी मोर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज मींस मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज इन जनरल लोअर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी सॉरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी Easier will be remove electron. Fourth, electron affinity of sulfur is less than chlorine. Multiple choice है, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। शिवम 2-4, सोहम 3-4, वैष्णवी 3-4, पराग एबीसी, शिवम 2-4, अंचल 3-4, गौरी 1-3-4, पीयूष 3-4, मंजरी 1-4, तेजस 3-4। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ कुछ ने सही, बरात का सही है, मंजरी के ऊपर सही था, विजित का सही है, 1-3-4 इसका आंसर है। तो जरा सोचिए, समझिए और आंसर सही कीजिए, एग्जाम में भारी पड़ जाएगा। फिर इन जनरल मोर आयोनाइजेशन एनर्जी मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तुम पढ़े ऑब्जर्व नहीं किए हो, तुम पढ़े हो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी, दोनों को रिलेट नहीं किए हो, तो रिलेट करके एग्जाम्पल्स कर लो,
बी सी एन ओ एफ, हम जनरली बात कर रहे हैं, हम बीच में एक्सेप्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेफ्ट टू राइट आयनेशन एनर्जी बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एमिटी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम आयनेशन एनर्जी घटता है तो इलेक्ट्रॉन एमिटी भी घटता है, दोनों जैसा है। और मैं तुम्हें सिखाया हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनेशन एनर्जी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस। तो आयनेशन इन जनरल बात कर, देखो कितना वर्ड सही लिखा, इन जनरल मतलब एक्सेप्शन छोड़ के, मोर आयनेशन एंथैल्पी मोर विल बी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, बिल्कुल करेक्ट है। आयनेशन एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेविटी इंक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, क्या ये मेटल अच्छा होगा? उल्टा बोल रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इंक्रीज देन मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, दिस वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इन जनरल लोअर विल बी आयनेशन एनर्जी, इजियर विल बी रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल करेक्ट है। सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि लिथियम से? हम बोलेंगे सीजियम से, क्योंकि यहां आयनाइजेशन एनर्जी कम है। वाला हाँ, लोअर विल बी आयनेशन एनर्जी, इजियर विल बी रिमूव इलेक्ट्रॉन। लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लिथियम को लिथियम से लिथियम प्लस बनाना आसान है कि सीजियम से सीजियम प्लस बनाना आसान है? हम बोलेंगे सीजियम से सीजियम प्लस बनाना आसान है, और इसका आयनेशन एनर्जी कम होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, इसका मतलब जितना कम, मैं तुम्हें एक दिन लिखवाया था कि टॉप टू बॉटम आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इसलिए उसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज्यादा होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज्यादा होता तो मेटालिक ज्यादा होता है, ये चीज मैंने लिखवा के दिया था तुम्हें। फोर्थ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज लेस देन, ये तो हम बचपन में पढ़ा करते थे, हालांकि अभी बचपन में ही है लेकिन बचपन में पढ़ा करते थे ये सब। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर इज लेस देन क्लोरीन, क्लोरीन इज किंग। बराबर है क्या? जब मैं छोटा बच्चा था तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा करता था, अब मैं बड़ा हो गया हूं ये सब अब पढ़ रहा हूं। ऑप्शन में उलझना नहीं है, ऑप्शन को सुलझाना है। कोई डाउट है? फर्स्ट ऑप्शन, आयनेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट आयनेशन एनर्जी क्या हो रहा है? इंक्रीज, तो उसका जनरली बात कर रहा है, ये नहीं कि सर क्लोरीन का पकड़ लो ऐसा कैसे होता है, जनरली बात कर रहा है। लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनेशन एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या होता है? बढ़ता है। इन जनरली इफ आयनेशन एनर्जी विल बी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज। रूल भूल गए क्या मुलिकंस वाला? ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, ये ज्यादा गिरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा। उसको लिंक करना है हमें चीजों को, देखो जितना लिंक करोगे उतना क्लियरिफिकेशन मिलेगा हमें। चलो क्वेश्चन ये है कि बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन और कार्बन, तुम्हें इसको ऐसे अरेंज करना है कि मोस्ट एंडोथर्मिक, मोस्ट एंडोथर्मिक फर्स्ट,
और मोस्ट एक्सोथर्मिक लास्ट, मोस्ट एक्सोथर्मिक लास्ट कहने का मतलब वो डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं लिखा है, वो इसको इस ऑर्डर में समझा आपको बताना है कि मोस्ट एंडोथर्मिक पहले लिखना होना होगा और एक्जो वाला लास्ट में लिखना होगा। तो आप जल्दी से बताओ मेरे को सीक्वेंस क्या होगा। एच से एच माइनस जाएगा तो रिलीज करता है, याद रखना एच से एच माइनस जाएगा तो रिलीज करता है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकिन बताया था मैंने, एच से एच माइनस जाएगा तो रिलीज करता है, एच से एच माइनस जाता है तो रिलीज करता है। मंजरी मीठा, समझ में आ गया मीठा? तो एक अब क्या करो, देखो इसका आंसर जो हो जाएगा, सबसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा? कार्बन। इन दोनों में एक्सेप्शन होता है, फिर बेरिलियम लेफ्ट टू राइट बढ़ता है और एक एक्सेप्शन आता है। चलो एल आई एच एन ए, एन ए एच एल आई, एच एल आई एन ए, एल आई एन ए एच, 1 2 3 4। मुझे बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 2 3 4 में कौन सा सही है, कौन सा सही है? थर्ड ऑप्शन। टॉप टू बॉटम क्या होता है? डिक्रीज होता है, होता है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, पहला है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, सेकेंड वन 1s2 2s2 2p3, थर्ड 1s2 2s2 2p5, फोर 1s2 2s2 2p6 3s1। बोला है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, इन्हीं में से आप चुन के भेजो, आप ग्रेटर देन के साइन मत लगा देना, बस ऐसे ही बोल देना 2 1, मैं समझ जाऊंगा, या 1 2 3 4 लिख लो, आसान होगा लिखने में, 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। बेरिलियम और बोरॉन में, नाइट्रोजन में बेरिलियम का जीतेगा, लिथियम बेरिलियम बोरॉन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, होना क्या चाहिए था? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बोरॉन बेरिलियम और लिथियम, लेकिन दो जगह एक्सेप्शन होता है इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में, दो जगह एक्सेप्शन होता है, तो बेरिलियम पीछे जाएगा, फिर बोरॉन, सॉरी लिथियम, उसके बाद आ जाएगा नाइट्रोजन, फिर बोरॉन, इस दोनों में ये जाएगा, ये आगे जाएगा बोरॉन आगे जाएगा, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ये होता है बेरिलियम पीछे और ये आगे, ये पीछे और ये आगे, और ये वो ये, यही दिया था ना मैंने, दो जगह एक्सेप्शन होता है।
उसका जो आंसर था बेरिलियम, नाइट्रोजन, बोरॉन और सी, उसका जो आंसर था ये था ना, बेरिलियम, नाइट्रोजन, बोरॉन और कार्बन, ये आंसर था उसका, करेक्ट तो था। नाइट्रोजन में पहला वाला केवल हम बात कर रहे हैं, एन माइनस। चलो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख दो, सबसे ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट का। अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, फर्स्ट यहां ले मैं लिख दूं, सबसे लास्ट में क्या आएगा, फर्स्ट, क्योंकि ये क्लोरीन का है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का है, ये जो है सेवन ये नाइट्रोजन का है, और ये नाइन ऑक्सीजन का है, और ये इलेवन सोडियम का है, सबसे ज्यादा किसका होगा, क्लोरीन का, क्योंकि ये तो किंग है, इस दोनों में किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का, यानी ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर थ्री। फिर किसका होगा, नाइट्रोजन में और सोडियम में, नाइट्रोजन में और सोडियम में किसका ज्यादा होगा, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक बार डेटा चेक करना, यहां फोर होगा और सबसे कम नाइट्रोजन होगा, टू होगा, एक बार डेटा चेक करना, मैं भी चेक करता इसको, इस दोनों का डेटा चेक करना, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, अब ये हाफ फील्ड है तो इससे भी कम गिरता है, अब ये चेक करना पड़ेगा इसका डेटा, कहीं कहीं डेटा हमें चेक करना पड़ेगा। चलो इसका एक बार डेटा चेक करेंगे हम, बराबर क्या, इसका हम एक बार डेटा चेक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब किस में हो रहा है, एन से एन माइनस, दूसरा एफ से एफ माइनस, तीसरा सी एल से सी एल माइनस, और चौथा एच से एच माइनस, मल्टीपल चॉइस है। एक बार डेटा चेक करेंगे, हर बार थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शनली आता है, हर चीज रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। इसमें एनर्जी रिलीज होता है, अभी अभी बताया, इसमें रिलीज होगा, इसमें रिलीज होता है, अभी अभी लिखवाया, इसमें रिलीज होगा, कम रिलीज होता है लेकिन रिलीज होगा, इसमें रिलीज होता है, इसमें रिलीज होगा, मल्टीपल चॉइस का मतलब ये थोड़ा है, इसलिए एडवांस क्वेश्चन और जेई के क्वेश्चन में जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइस आते ही हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होने लगते हैं। इसमें एक ही आंसर है, एक फर्स्ट, ये समझ में आ गया, ये बोरॉन और नाइट्रोजन में बोरॉन का ज्यादा होगा हाफ फील्ड की वजह से, एक्सेप्शन नंबर अगर तुम देखोगे तो एक्सेप्शन नंबर में तुम लोगों को बताया होगा इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में थ्री नंबर में जाके चेक करोगे तो मैं बताया था नाइट्रोजन के कंपेयर किससे, कार्बन से, और बेरिलियम का कंपेयर बोरॉन सॉरी लिथियम का इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, फर्स्ट ओ प्लस इलेक्ट्रॉन ओ माइनस डेल्टा एच वन, एफ प्लस इलेक्ट्रॉन एफ माइनस डेल्टा एच टू, सी एल प्लस इलेक्ट्रॉन सी एल माइनस डेल्टा एच थ्री, O माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन O माइनस टू डेल्टा एच थ्री फोर। ऑप्शन है इनकरेक्ट निकालना है,
इनकरेक्ट निकालना है। पहला है डेल्टा एस थ्री इज मोर निगेटिव, ऐसे लिख दिया निगेटिव, देन डेल्टा एच वन एंड डेल्टा एच टू। सेकेंड, डेल्टा एच वन इज लेस निगेटिव देन डेल्टा एच टू। थर्ड, डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री आर निगेटिव, वेयर डेल्टा एच फोर इज पॉजिटिव। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ है डेल्टा एच वन एंड एच थ्री आर निगेटिव, वेयर डेल्टा एच टू एंड डेल्टा एच फोर आर पॉजिटिव। एच थ्री इज मोर निगेटिव देन एच वन एंड एच टू, एच वन इज लेस निगेटिव देन एच टू, एच वन, एच टू, एच थ्री आर निगेटिव, वेयर एच फोर आर पॉजिटिव। और फोर्थ ऑप्शन है एच वन एंड एच थ्री आर निगेटिव, वेयर एच टू एंड एच फोर आर पॉजिटिव। क्या होगा आंसर? मल्टीपल चॉइस नहीं है पराग, हर बार मल्टीपल चॉइस ही करोगे। इसमें आंसर क्या होगा सोच लो, समझ लो। इसका राइट आंसर है फोर। ये क्या है, यहां से यहां जाना, ये एक जो है यहां निगेटिव आएगा ना, यहां से यहां जाना क्या आएगा निगेटिव, यहां से यहां जाना निगेटिव, यहां से यहां जाना पॉजिटिव। इनकरेक्ट निकालना है, एच टू एच फोर आर पॉजिटिव, ये कहां से पॉजिटिव होगा, ये स्टेटमेंट ऐसे गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। बाकी देखते हैं, एच थ्री इज मोर निगेटिव एच थ्री देन एच वन एंड एच टू, ये तो सबसे ज्यादा निगेटिव होता है ना, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब करेक्ट है। इस ऑप्शन के लिए नहीं करेक्ट, इनकरेक्ट निकालना था हमें। डेल्टा एच वन इज लेस निगेटिव देन एच टू, ये ज्यादा निगेटिव होगा, ये ज्यादा निगेटिव होगा, हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कौन ज्यादा निगेटिव होगा, फ्लोरीन वाला, और ये लेस निगेटिव है देन एच टू, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑक्सीजन में और फ्लोरीन में किसका भारी गिरेगा, फ्लोरीन का, यानी एच वन इज लेस निगेटिव, ये इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, यानी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा माइनस में। एच वन एच टू एंड एच थ्री आर निगेटिव, वेयर एच फोर आर पॉजिटिव, बिल्कुल करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फर्स्ट, Cl इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl माइनस, सेकेंड Cl माइनस आयनाइजेशन एनर्जी Cl, थर्ड Cl आयनाइजेशन एनर्जी Cl प्लस, और फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ है Cl प्लस आयनाइजेशन एनर्जी Cl प्लस टू। ठीक है, ऑप्शन है पहला, मोड में IE ऑफ प्रोसेस टू, टू बोले तो इसको रोमन में मैं लिख दे रहा हूं, IE2 इक्वल टू ईए ऑफ प्रोसेस
वन. सेकेंड ऑप्शन आईई ऑफ प्रोसेस. थर्ड इक्वल टू आईई ऑफ प्रोसेस टू. IE of process 4 is equal to EA of process first. Fourth option IE of process 4 is equal to IE of process थर्ड. ओके, इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. ओके, थैंक्स टू ऑल.